गिनती की पुस्तक अध्याय 31, गिनती की पुस्तक अध्याय 31, मिद्यानियों से पलटा लेने का वर्णन। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मिद्यानियों से इसराइलियों का पलटा ले, बाद को तू अपने लोगों में जा मिलेगा। तब मूसा ने लोगों से कहा, अपने में से पुरुषों को युद्ध के लिए हथियार बंधाओ कि वे मिद्यानियों पर चढ़ के उनसे यहोवा का पलटा ले। इसराइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुषों को युद्ध करने के लिए भेजो। तब इसराइल के सब गोत्रों में से प्रत्येक गोत्र के 1,000 पुरुष चुने गए, अर्थात युद्ध के लिए हथियारबंद 12,000 पुरुष। प्रत्येक गोत्र में से उन हजार हजार पुरुषों को और एलियाजर याजक के पुत्र पिनहास को मूसा ने युद्ध करने के लिए भेजा, और उसके हाथ में पवित्र स्थान के पात्र और वे तुरहिया थी जो सांस बांध बांध कर फूकी जाती थी, और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसके अनुसार उन्होंने मिद्यानियों से युद्ध करके सब पुरुषों को घात किया, और दूसरे जूझे हुओं को छोड़ उन्होंने एबी, रेकेम, सूर, हूर और रेबा नाम मिद्यान के पांचों राजाओं को घात किया, और बोर के पुत्र बिलाम को भी उन्होंने तलवार से घात किया, और इसराइलियों ने मिद्यानी स्त्रियों को बाल बच्चों समेत बंधुआई में कर लिया, और उनके गाय बैल, भेड़ बकरी और उनकी सारी संपत्ति को लूट लिया, और उनके निवास के सब नगरों और सब छावनियों को फूंक दिया। तब वे क्या मनुष्य क्या पशु सब बंधुओं और सारी लूटपाट को लेकर यरीहो के पास की यर्दन नदी के तीर पर मोआब के अराबा में छावनी के निकट मूसा और एलियाजर याजक और इसराइलियों की मंडली के पास आए। तब मूसा और एलियाजर याजक और मंडली के सब प्रधान छावनी के बाहर उनका स्वागत करने को निकले, और मूसा सहस्त्रपति शतपति आदि सेनापतियों से जो युद्ध करके लौटे आते थे क्रोधित होकर कहने लगा, क्या तुमने सब स्त्रियों को जीवित छोड़ दिया? देखो, बिलाम की सम्मति से पोर के विषय में इसराइलियों से यहोवा का विश्वासघात इन्हीं ने कराया, और यहोवा की मंडली में मरी फैली। सो अब बाल बच्चों में से हर एक लड़के को और जितनी स्त्रियों ने पुरुष का मुंह देखा हो उन सबों को घात करो, परंतु जितनी लड़कियों ने पुरुष का मुंह न देखा हो उन सबों को तुम अपने लिए जीवित रखो, और तुम लोग 7 दिन तक छावनी के बाहर रहो, और तुम में से जितनों ने किसी प्राणी को घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए को छुआ हो वे सब अपने अपने बंधुओं समेत तीसरे और 7वें दिनों में अपने अपने को पाप छुड़ाकर पावन करें, और सब वस्त्रों और चमड़े की बनी हुई सब वस्तुओं और बकरी के बालों की और लकड़ी की बनी हुई सब वस्तुओं को पावन कर लो। तब एलियाजर याजक ने सेना के उन पुरुषों से जो युद्ध करने गए थे कहा, व्यवस्था की जिस विधि की आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी है वह यह है कि सोना चांदी, पीतल, लोहा, रांगा, सीसा, जो कुछ आग में ठहर सके उसको आग में डालो, तब वह शुद्ध ठहरेगा। तब भी वह अशुद्धता से छुड़ाने वाले जल के द्वारा पावन किया जाए, परंतु जो कुछ आग में न ठहर सके उसे जल में डुबाओ, और 7वें दिन अपने वस्त्रों को धोना, तब तुम शुद्ध ठहरोगे और तब छावनी में आना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एलियाजर याजक और मंडली के पितरों के घरानों के मुख्य मुख्य पुरुषों को साथ लेकर तू लूट के मनुष्यों और पशुओं की गिनती कर, तब उनको आधा आधा करके एक भाग उन सिपाहियों को जो युद्ध करने को गए थे और दूसरा भाग मंडली को दे। फिर जो सिपाही युद्ध करने को गए थे उनके आधे में से यहोवा के लिए क्या मनुष्य क्या बैल क्या गाय क्या गधे
क्या भेड़ बकरिया 500 के पीछे एक को कर मानकर ले और यहोवा की भेंट करके एलियाजर याजक को दे दे। फिर इस्राएलियों के आधे में से क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या गधे, क्या भेड़ बकरिया, क्या किसी प्रकार का पशु हो 50 के पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे दे। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार जो उसने मूसा को दी, मूसा और एलियाजर याजक ने किया। और जो वस्तुएं सेना के पुरुष ने अपने अपने लिए लूट ली थी, उनसे अधिक की लूट यह थी, अर्थात 675,000 भेड़ बकरिया, 72,000 गाय बैल, 61,000 गधे और मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुरुषों का मुंह नहीं देखा था वह 32,000 थी। और इनका आधा अर्थात उनका भाग जो युद्ध करने को गए थे, उनमें भेड़ बकरिया 337,000, जिनमें से 750 भेड़ बकरिया यहोवा का कर ठहरी, और गाय बैल 36,000, जिनमें से 72 यहोवा का कर ठहरे, और गधे 3,500, जिनमें से 61 यहोवा का कर ठहरे, और मनुष्य 16,000, जिनमें से 32 प्राणी यहोवा का कर ठहरे। इस कर को जो यहोवा की भेंट थी, मूसा ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार एलियाजर याजक को दिया, और इस्राएलियों की मंडली का आधा 337,000 भेड़ बकरिया, 36,000 गाय बैल, 30,500 गधे और 16,000 मनुष्य हुए। इस आधे में से जिसे मूसा ने युद्ध करने वाले पुरुषों के पास से अलग किया था, यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने क्या मनुष्य क्या पशु 50 पीछे एक लेकर यहोवा के निवास की रखवाली करने वाले लेवियों को दे दिया। तब सहस्त्रपति शतपति आदि जो सरदार सेना के हजारों के ऊपर नियुक्त थे, वे मूसा के पास आकर कहने लगे, जो सिपाही हमारे अधीन थे उनकी तेरे दासों ने गिनती ली और उनमें से एक भी नहीं घटा, इसलिए पायजेब, कड़े, मुंद्रिया, बालिया, बाजूबंद, सोने के जो गहने जिसने पाया है, उनको हम यहोवा के सामने अपने प्राणों के निमित्त प्रायश्चित करने को यहोवा की भेंट करने के लिए लाए हैं। तब मूसा और एलियाजर याजक ने उनसे वे सब सोने के नक्काशीदार गहने ले लिए, और सहस्त्रपतियों और शतपतियों ने जो भेंट का सोना यहोवा की भेंट करके दिया, वह सब का सब 16,750 शेकेल था। योद्धाओं ने तो अपने अपने लिए लूट ले ली थी। यह सोना मूसा और एलियाजर याजक ने सहस्त्रपतियों और शतपतियों से लेकर मिलाप वाले तंबू में पहुंचा दिया कि इस्राएलियों के लिए यहोवा के सामने स्मरण दिलाने वाली वस्तु ठहरे।